न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हम बता दें कि दरभंगा के श्रम संसाधन मंत्री अभी पहुंचे हैं दरभंगा और उन्होंने एक बड़ी पहल जो दरभंगा के लिए होनी है उसका विधिवत शुभारंभ किया है। हम बता दें कि दरभंगा के मेट्रो हॉस्पिटल में आज से स्पुतनिक जो टीकाकरण है वैक्सीन है उसका शुभारंभ किया है बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने। तो ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि लोगों को इंतजार था जिस स्पुतनिक का, वो स्पुतनिक वैक्सीन का आज शुभारंभ हुआ है और आज ही करीब 15 लोग वहां पर वैक्सीन लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। सबका पहले ही लिस्टिंग किया गया था। हम बता दें कि मेट्रो हॉस्पिटल की डॉक्टर और जो पूरी टीम है उनके द्वारा वहां व्यवस्था की गई है और इसमें चार्ज दिए जा रहे हैं। तो हम बता दें कि अभी हम आपको दिखाते हैं कि क्या कहते हैं मंत्री और वहां के जो मेट्रो हॉस्पिटल के डॉक्टर। लेकिन बड़ी खबर बता दी, जिसका लोगों को इंतजार था स्पुतनिक वैक्सीन का, वो आज से दरभंगा के मेट्रो हॉस्पिटल में प्रारंभ हो गया क्योंकि सरकार ने ये योजना बनाई है कि अब निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन काम होगा। तो पारस में जहां एक तरफ कोविशील्ड चार्ज के साथ किया जा रहा है वहीं कई जगह मुफ्त हो रहा है क्योंकि सरकार की योजना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो जाए ताकि तीसरी लहर से बचे। तो देखिये मेट्रो हॉस्पिटल से आ रही बड़ी खबर। अब दरभंगा में शुरू हो गया है स्पुतनिक। ये स्पुतनिक वो वैक्सीन है जिसका इंतजार आज महीनों से लोग कर रहे थे। सिर्फ दरभंगा में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में स्पुतनिक का इंतजार जहां हो रहा था वहां दरभंगा के मेट्रो हॉस्पिटल में आज विधिवत इसका शुभारंभ मंत्री जीवेश मिश्रा के द्वारा किया गया। मंत्री जीवेश मिश्रा ने आज लोगों को बधाई देते हुए कहा कि भले इसका स्थानीय हॉस्पिटल के द्वारा चार्ज लिया जाए लेकिन ये लोगों के लिए ज्यादा सूट कर सकता है। कई लोग ऐसे थे जो स्पुतनिक लेना चाह रहे थे कोविशील्ड और कोवैक्सीन की जगह। आखिर इस स्पुतनिक में है क्या, इस बात की जानकारी डॉक्टर रूही यास्मीन ने देते हुए कहा कि इसका काफी फायदा है लेकिन पूरे दरभंगा में जहां केंद्र और राज्य सरकार के साथ जिला प्रशासन ने प्रत्येक दिन लाखों लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड देना प्रारंभ किया है ऐसे में सबको स्पुतनिक की तरफ मोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज मेट्रो हॉस्पिटल के लिए होगा। इसलिए मेट्रो हॉस्पिटल के द्वारा आज मंत्री जीवेश मिश्रा को विधिवत बुलाकर ये संदेश जनता के बीच दिया गया कि जिसका आप इंतजार कर रहे थे 1200 रुपया में आपको स्पुतनिक वैक्सीन दिया जाएगा। आज करीब एक दर्जन लोगों ने स्पुतनिक के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया और आज स्पुतनिक का वैक्सीन दिया गया। इस स्पुतनिक में भी 2 बार आपको वैक्सीन लेना है जिसमें 21 दिन से 90 दिन के अंदर यानी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की तरह 2 वैक्सीन स्पुतनिक में भी लिया जाएगा। हालांकि इसे लेकर पहले चर्चा थी कि 1 वैक्सीन ही स्पुतनिक देगा लेकिन अब आज शुभारंभ के बाद डॉक्टर सलीम अहमद ने बताया कि इसमें भी 2 वैक्सीन आपको स्पुतनिक का दिया जाएगा और 1200 रुपया चार्ज होगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं दरभंगा के मेट्रो हॉस्पिटल में आज मंत्री ने जब शुभारंभ किया तो जहां एक तरफ लोगों की आशा की किरण जगी वहीं अस्पताल में आज पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को स्पुतनिक का वैक्सीन दिया गया। काल है जहां स्पुतनिक वी का टीकाकरण आज से प्रारंभ हो रहा है। कितना काम होगा स्पुतनिक का और क्या? अब ये तो जो यहां के व्यवस्थापक है उनसे ये सवाल करिएगा तो बेहतर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दरभंगा के अंदर आज से स्पुतनिक वी है कि दरभंगा के अंदर आज इस मेट्रो हॉस्पिटल से स्पुतनिक वी जो वैक्सीनेशन है उसको आज से स्टार्ट किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है। जो देश के अंदर पहले से कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन मौजूद था स्पुतनिक भी उस कड़ी में जुड़ा। मुझे प्रसन्नता हो रही है बताते हुए कि आज से दरभंगा के अंदर भी स्पुतनिक वी जिनका च्वाइस होगा लेने का उनके लिए भी यह वैक्सीन आज से उपलब्ध होगी। कहाँ पर उपलब्ध, कहाँ कहाँ उपलब्ध होगा? तो इस अस्पताल में तो आज हम लोग श्री गणेश कर ही दिया है, आज से यहाँ से मिलना शुरू हो गया है। एसी बहुत ज्यादा है, 91.6% है क्योंकि वो जो लिए थे उसका एफिकेसी 70% था जिसमें 20% तो चांस रहता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब कि वो 70% ही मिली है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एफिकेसी बढ़ गया है इसलिए वो ले सकते हैं। तो हॉस्पिटल में
5 वैक्सीन का इनोग्रेशन किया गया हमारे मंत्री जी के द्वारा, और ये बहुत ही खुशी की लहर है हमारे बिहार में, क्योंकि नॉर्थ बिहार का सबसे पहला सेंटर है जहाँ पे हम लोग स्पुतनिक 5 वैक्सीन दे रहे हैं। और हमारे इंडिया में ये वैक्सीन जो है डॉक्टर रेड्डी लैब में बनाया जा रहा है, ये जो है रशियन फॉर्मुलेटेड है जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है इंडिया में भी। इसके पहले जो है हमारे इंडिया में 4 वैक्सीन और कोविशील्ड ऑलरेडी मिल रहा था, लेकिन अभी जो है स्पुतनिक 5 को लॉन्च किया गया है। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसका ये है कि इसका एफिकेसी जो है पहले वैक्सीन वो 70% होता था, 80% होता था, लेकिन इस वैक्सीन से एफिकेसी जो है 91.6% हो गया है। इसमें क्या होता है, ये जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, इसमें एडिनो वायरस 2 टाइप यूज किया जाता है, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड एडिनो वायरस। तो कॉमन फ्लू यूजली आदमी में करता है वो यूज किया जाता है इसमें। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारा सारस कोविड वैक्सीन है उसका आउटर प्रोटीन जो होता है स्पाइक प्रोटीन, उसको इंसर्ट किया जाता है एडिनो वायरस में, और ये एडिनो वायरस से हम लोग स्पुतनिक 5 वैक्सीन बनाते हैं। इसमें पेड वैक्सीन है, इसका चार्ज 1200 रुपये है, पैसा पेड करके वैक्सीन ले सकते हैं। ये वैक्सीन हम ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन होता है और यहाँ से ले सकते हैं। इस वैक्सीन को रखने का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो नहीं मिलता है और लोग नहीं देते हैं हम लोग के यहाँ, कि हम लोग को इसको -25 डिग्री टेम्परेचर पर रखना है। ये जमा हुआ वैक्सीन होता है, बिल्कुल फ्रिज डाइड वैक्सीन होता है, जिसको निकालिए और यूज़ कर लीजिए। ये सिंगल डोज वैक्सीन है, तो जो भी आदमी आएगा एक बार वैक्सीन लेकर जा सकता है, इंतज़ार नहीं करना होगा। पहले वैक्सीन की तरह 10 आदमी पूरेगा तो वैक्सीन देंगे, 5 आदमी पूरेगा तो वैक्सीन खोलेंगे। ये वैक्सीन सिंगल डोज है, एक आदमी है, खोलिए और ले लीजिए। रिएक्शन है, हाँ पहला डोज है वैक्सीन का मेरा, ये स्पुतनिक का। पिछले लगभग 4 महीने से मैं वेट कर रहा था कि स्पुतनिक का अवेलेबल होगा। पटना मेदांता में तो पहले सिर्फ था, ये बिहार में काफ़ी ट्राई किया, वहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन था, स्लॉट नहीं मिल पा रहा था। जब मुझे पता चला मेट्रो को अप्रूवल मिल गया है तो मैंने अप्रोच किया डॉक्टर साहब को और फिर मैंने रजिस्ट्रेशन किया और आज पहला डोज मुझे मिल रहा है। जावेद, जैसा डॉक्टर रुई यास्मीन और डॉक्टर सलीम ने बताया कि इसके 2 डोज हैं, पहला डोज आज जैसे मुझे पड़ा है, अगला डोज 21 से 90 दिन के बीच में लगेगा और दोनों अलग अलग मेडिसिन होगी। ये आज जो पड़ा मुझे वो ब्लू कलर का वाइल है, आप देख सकते हैं, और जो 21 दिन बाद पड़ेगा वो लाल कलर का वाइल होगा। इसके लिए कितना पैसा आपको पे करना पड़ेगा? इस सरकार की तरफ से इसका फीस जो है 1200 रुपये तय किया गया है, तो मेट्रो हॉस्पिटल में डॉक्टर सलीम द्वारा भी 1200 रुपये ही चार्ज किया जाए।